हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे सब अच्छे होंगे और आने वाले पेपर की खूब जोर से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बंधुओं, आज का जो कंसेप्ट रहेगा इतना खूबसूरत रहेगा कि मैं आपको एक नुस्खा दूंगा, एक ऐसा टोटका दूंगा, एक ऐसा ताबीज दूंगा, एक ऐसा गुण दूंगा कि जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैथ्स के ऐसे भी सम हो सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ी हिंट दूंगा कि इससे पहले जितने भी विद्वान बंधुओं ने मेरा DDF कंसेप्ट देखा होगा कि आपको मैं एक और DDF कंसेप्ट के साथ मैच करके कैलकुलेशन के अंदर लेके आ गया हूं कि बहुत बड़े बड़े सम को आप बिना पेन बिना पेपर किस तरह से कर सकते हैं। यानी आपने बहुत बार कुछ वीडियोस देखे होंगे जिन पे लिखा होता है बिना पेपर बिना पेन, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं हैं और मैं आपको एक्चुअल में करवाने वाला हूं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप गिल्ज मेंटोर को ढेरों सारा प्यार कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहें। और आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हैं और आप इसी प्रकार इस परिवार के जब मेंबर हो गए तो हम सब बहुत सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, तो प्लीज़ आप मैक्सिमम शेयर कर दिया करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंच सके कि गिल्ज मेंटोर आपको अपनी जिम्मेदारी लेकर और फ्री में कोचिंग करवा रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के जितना भी करंट अफेयर्स है, पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, या पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी हिस्ट्री पॉलिटिकल संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उनको देखना बिल्कुल नहीं भूलें। और आने वाले पेपर, चाहे वो PPSC फॉरेस्ट असिस्टेंट है, चाहे क्लर्क पेपर है, पटवारी आने वाली पोस्ट है, IBPS मेंस हो गया, RPF सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और पंजाब पुलिस, इन सभी पेपर्स के लिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले मोटिवेशनल थॉट होनी बहुत जरूरी है। अपनी पहली सफलता के बाद कभी भी आराम नहीं करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए, मतलब फेल हो गए, तो बहुत सारे लोग यह कहने में इंतजार नहीं करेंगे कि आपकी पहली कामयाबी सिर्फ एक तुक्का थी, और ये हमारे साथ अक्सर बार होता है। प्यारे बंधुओं, आज की जो सीरीज है और आज का जो सेशन है बहुत ही खूबसूरत है। मैं दिल से बताना चाहता हूं कि आपके लिए बेहतरीन फंडे लेकर मैं हमेशा आता रहूंगा, बस आप इसको मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि मुझे इतना मालूम हो जाए कि मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बार शेयर और लाइक कर दिया है। चलिए, इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप में से हजारों बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसा तरीका होता है कि जो हर पेपर में डाली जाती है, क्योंकि लैंग्वेज की क्वेश्चन हर कोई कर सकते हैं, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड अच्छी नहीं होती, आप हर जगह एक्स नहीं अप्लाई कर सकते। अगर इसको मैं सही तरीके से करने की कोशिश करूं तो मैंने इससे पहले बताना चाहता हूं कि मैंने एक फंडा करवाया था जिसका DDF, किसी RS अग्रवाल किसी बुक का फंडा नहीं है, ये फंडा गिल्ज मेंटोर का है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी बड़े नंबर है, जितनी भी बड़ी संख्या है, उसको आप छोटी से छोटी में कन्वर्ट कर दें। मतलब कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1080, क्लियर, इन सभी को जोड़कर आप बना देंगे 9। इसी प्रकार जहां पर 9 बन गया उसका मतलब होता है 0, जहां पर क्या बन गया 9 उसकी वैल्यू रख दें 0। ये आपको थीम दे रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं, और इसको पकड़ के रखिएगा। जैसे देखो यहां पर आप सोचेंगे सर 55/100 है, पहले समझा देता हूं, 5 और 5 कितने हो गए 10, नीचे भी अगर अपन जोड़ करेंगे तो 1 हुआ, ऊपर भी 1 हुआ, 1 को 1 से डिवाइड किया 1 हुआ, तो बेशर्त हमने कोई भी हमारी सेहत पे हमारे क्वेश्चन पे कंसेप्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा परसेंट का, हम इनको जोड़ लेते हैं 5 और 5 10, 1 हुआ, कितना हुआ 3 2 5 हुआ, प्लस इसका मतलब 3 हुआ, और 1 8 और 1 9 हो गया, 9 का मतलब समझ लेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है गाइज, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 और इंटू कर लो x। अब देखो 5 एकम 5, यानी कहने का मतलब 5 में 0 और इधर 2x हुआ, भाई इधर आपके पास ये कॉन्सेप्ट बन गया है। अब इस 2 में आप क्या लगाया जाए कि आपके पास क्या बन जाए, मेरे प्यारे बच्चों 5 बन जाए, तो 2 में क्या लगाओगे आप, देखो 2 में क्या लगाएंगे, भाई 2 को 3 लगाएंगे तो 3 × 2 = 6 हो रहे, हमें कितने चाहिए 5, अगर 2 में 4 लगाओगे तो 8, लेकिन नहीं चाहिए, 2 में 5 लगाओगे 10, 10 का मतलब 1 नहीं चाहिए, 2 में 6 लगाओगे तो 6 × 2 = 12, 12 का मतलब 3 नहीं चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा 7, यानी 7 × 2 = 14, 14 का मतलब कितना होता है 5, यही हमारा आंसर होगा। देखो 2 और 0 ये नहीं बन रहा 7, ये भी 7 नहीं बन रहा, ये भी 7 नहीं बन रहा, और ये भी नहीं बन रहा, और ये आंसर हो गया आपका। आई थिंक विदाउट पेन विदाउट पेपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं, हालांकि मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। इसके 3 कंसेप्ट होते हैं, या तो आपने क्या करना है कि लास्ट डिजिट से भी आप कर सकते हैं,
ठीक है गाइज, लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं, डीडीएफ से भी कर सकते हैं। चलिए डीडीएफ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट देखना है कि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, 7 और 3 कितना हो गया, 4 3 7 और कितना हो गया, 6 13, 13 और 8 21, 21 का मतलब बन गया 3। ठीक है गाइज, ये हो गया 8 और 1 9 और ये बच गए 7, माइनस में 9 गया। ठीक है, 9 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 2, क्योंकि 5 और 6 11, माइनस का एक्स कर देंगे इज इक्वल। देखो ये अपने पास कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से पकड़ के रखिए, 4 और 3 7 और 2 9 1 बच गया। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9 2 बच गया। तो कहने का मतलब देखो मेरे पास कितना हो गया, 3 प्लस 7 माइनस के 2 माइनस का एक्स और इज इक्वल कितना हो गया 3। तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा अपने पास, 8 माइनस का एक्स इज इक्वल 3। तो इस 8 में से क्या घटाया जाए कि 3 बचेंगे, 5। तो मैं देख लूंगा कि यूनिट वैल्यू किसकी 5 बन रही है। देखो 7 और 2 9 ये तो बनेगा नहीं, फिर उसके बाद में 6 6 12 और 1 13, 13 का मतलब 4 बनेगा नहीं, ये हो गया 7 2 9, तो इसका 5 बन रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बंधुओं इस तरीके से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेशर्ता। इसमें अगर मैं बात करता हूँ लास्ट यूनिट की, तो लास्ट यूनिट में 9 9 दे रखा है, तो यहां भी स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन आपको तरीका बस वही अप्लाई करें मेरा, 6 और 3 9 9 हो गया, 8 और 6 होते हैं 14, 14 का मतलब बन गया 5। ठीक है, 8 और 1 हो गया 9, 5 और 3 8, 2 10, 10 का मतलब हो गया 1। यहां पर एक्स रखिएगा, ये 9 कट गया, 7 और 3 10 और 8 कितने होते हैं 18, 18 का मतलब बन गया 9 मतलब 0। गाइस समझने की कोशिश करें, ये हो गया आपके पास 6 इज इक्वल x प्लस 0, तो इसको 6 बनाने के लिए यहां पर आपको क्या रखने पड़ेंगे, 6 ही रखने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर यानी 6 आंसर होना चाहिए आपका। चेक कर लेते हैं जरा कौन सा बनेगा, 9 को 9 से कैंसिल कर दीजिए और ये कितना हो गया आपके पास, 6 2 8 नहीं होगा, 9 9 कैंसिल हो गया, ये 8 बन गया, फिर ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 6 बन गया, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आप मैक्सिमम यानी हार्डली मैं अगर बात करूं तो 5 से 7 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस कितना हो गया, 8 और 8 16 होते हैं, 16 का मतलब 7 बन गया, 7 और 3 10 का मतलब 1 बन गया, 4 और 2 6 होता है और ये कितना 2 और 1 3 हो गया और माइनस का एक्स हो गया इज इक्वल 8 और 2 10 का मतलब 1 हो गया। अब देखो 7 एकम 7, ठीक है गाइज, 6 3 18 का मतलब कितना बन गया 9 9 का मतलब 0 लिख देते हैं। ठीक है गाइज, और ये 1 हो गया। अब देखो 7 माइनस x इज इक्वल 1 हो गया। अगर मैं बात करूं भाई, देखो आपको अलग से कुछ इक्वेशन फंडा नहीं लगाना, बेसिकली ये सोचें कि 7 में से हम कितने घटाएं कि 1 बच जाए, तो मतलब मेरे को 6 घटाने हैं, तो यूनिट वैल्यू 6 किसकी बनेगी ये देख लो भाई, इनकी तो बनेगी नहीं, ये 8 और 2 10 और 5 15 15 हो गया ना, तो 15 का मतलब 6 यही मेरा आंसर हो गया। तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसको खा जाइए पी जाइए यार। ठीक है, जैसे धीरे धीरे आप गिर गिर के सवार होते हैं, मैक्सिमम आप में से जितने बच्चों ने कोचिंग भी कर रही होगी, लेकिन ऐसा फंडा आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि पूरी जिंदगी का कोई कैलेंडर याद करा सकता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 जनवरी 1902 को क्या वार था, तो आप नहीं निकाल सकेंगे। आप में से कई लोगों को तो ये याद नहीं होगा कि पिछले संडे को क्या वार था, ठीक है, माफ करना, पिछले संडे को क्या डेट थी या पिछली 7 तारीख को क्या वार था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ, हम नहीं याद रख सकते, लेकिन मैं आपको दूंगा पूरी जिंदगी का कैलेंडर, पूरी लाइफ का कैलेंडर। आप सोच के देखो, 1 सेकंड सोचो कि पूरी लाइफ का कैलेंडर कैसे याद करा सकता है कोई, और ये मैं आपको याद करा सकता हूं। ठीक है गाइज, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके पास कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए, ठीक है गाइज, और इसमें कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 का मतलब बन गया 5 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7, क्लियर। अब इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लेना कि जब भी आपके पास, मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है, जब भी आपके पास अपॉन में 3 6 और 9 आ गए, ये कंसेप्ट में अलग करवाऊंगा, उसके लिए आपको कुछ अलग से अप्रोच करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइज, हाँ जी, हम लोग थोड़ा देखेंगे 8 × 5 के डिवाइड में कितना हो गए 7। अब जैसे भी अपॉन में 7 आ गए, उस कंसेप्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कैसे होगी, लेट्स सी, आपके पास 7 हो गए, अब आपको काम क्या करना है कि फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपके पास कुछ काम होना चाहिए। देखो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कितने हो गए 40 का मतलब 4 हो गया, देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 49, 49 का मतलब होता है 13, 13 का मतलब हो गया क्या हो गया गाइज आपके पास है 4।
एक तो कंसेप्ट ये हो गया, इसका आंसर तो वन बन गया। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि आपके पास 5/7 ही होता, तब आपको क्या काम करना है, तब आपको ये काम करना है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो क्या हो जाए, एक हो जाए। तो देखो आपने ध्यान रखना है कि जैसे नीचे कभी भी अपॉन में 8 आ गया तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो 64 का मतलब बन गया 10, 10 का मतलब बन गया 1। अगर 2 आ गया तो उसको 7 से, अगर आपके पास 4 आ गया तो उसको 7 से कर दें, 7 आ गया तो 4 से कर दें, ठीक है, 2 आ गया तो उसको 5 से कर दें। तो ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रख लेनी है आपने, ठीक है गाइज। तो अब यानी 1 देखेंगे तो ये हो गया 4 और 2 6, 6 और 4 10 बराबर 1 बच गया, 8 और 4 12 3 बन गया, ये होगा नहीं, 4 4 8 होगा 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम रहे ना, ठीक है गाइज। तो हम देखेंगे कितना हो गया 7, अब देखेंगे कितना हो गया 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 और 3 5 होता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 का मतलब हो गया 2 और ये हो गया गाइस 0, ठीक है। हमारे पास हो गया 7x = 1, ये 1 ही बनेगा ना, देखो 8 और तो 10 और 1 हो गया। अब अपने काम क्या करना है कि 7 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 बन जाए। तो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 7 को 4 से कर देंगे और 4 को 7 से कर दें, कैसे, 28, और 28 का मतलब कितना होता है 10, 10 का मतलब होता है 1, तो यूनिट वैल्यू 4 बननी चाहिए। तो ये यूनिट वैल्यू क्या बन रही है, इसकी 4 बन रही है भाई, इसकी 3 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है, इसकी 5, तो आंसर हो गया। आप करके देखिए, कंसेप्ट को पकड़ के देखिए और करने की कोशिश करें कि आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में किस तरह से आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो हमारे पास हो गया 5 और इधर हो गया 6, ठीक है गाइस, 30 का मतलब हो गया 3, हमारे पास कितना हो गया 8 और 4 12 और 3 15, 15 का मतलब हो गया 6, 6 के नीचे लगाएंगे 5 और इज इक्वल एक्स माइनस 1। तो मैं इसी को 1 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 माइनस ऊपर कितना हो गया 6, ये माइनस के 3 हो गए, नीचे 1 बचा और x माइनस 1 हो गया। तो कहने का मतलब कि ये वैल्यू खत्म हो गई, तो मेरे पास यहाँ पर क्या लगाना चाहिए कि इनका आंसर मर्ज हो जाए, तो बेसिकली अपने को क्या लगाना पड़ेगा, प्लस का 1, मतलब 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने चेक कर लो, ये 9 से 9 कट गए और 8 और 10 पहला ही आंसर हो गया, ये 9 कट गए, 9 कट गए 0 हो गया, ये हो गया 9 कट गए 4 हो गया, और ये 10 और 4 14 5 हो गए, ये आंसर नहीं है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है गाइज। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको दिया है, एंड डू एंड राइट द कमेंट आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में, और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखा, और मैं मानता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो लोग डरते हैं कैलकुलेशन को कैसे करें, आपको हजारों टीचर्स आपको स्केयर्स लर्न करवाते हैं, क्यूब्स लर्न करवाते हैं, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें, आप बस कंसेप्ट पकड़ें गिल्जमेंटोर का, और मैं आपको ट्रिक्स दूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर फॉरेस्ट असिस्टेंट का जो पेपर होगा मैथ्स कैसे रिकवर करें। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, जिसके अंदर की सीजीएल के क्वेश्चंस हैं 1999 से लेकर टिल 2016 तक, ऐसी कोई भी बुक ले लीजिए या कोई और पब्लिशर की जैसे आपको अच्छा लगता है, उस बुक को लेकर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कोई सी एक बुक ले ले, ऐसा नहीं कि किसी ल्यूशन से कर ले, मैथ्स रीजनिंग वहीं से कर ले, ऐसा नहीं करें, या अरियंत की बुक ले लें और वहां से कंसेप्ट कंप्लीट करते चलें, और मेरे लेक्चर्स को जरूर देखें, मैं आपको कंटिन्यू उसकी ट्रिक्स बता रहा हूं, और ये आपके काम बहुत आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और हर एक दोस्त तक लगभग 2-2 3-3 बार शेयर करना नहीं भूलें।